मैम श्रम मंत्रालय के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पद पर जॉब कर रही हैं। गीतांजलि मैम को अपने बंगले के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड की आवश्यकता है जो मेहनती और ईमानदार हो। गीतांजलि मैम ने हमसे कहा था कि मुझे एक अच्छे और ईमानदार सिक्योरिटी गार्ड की आवश्यकता है जो मेरे साथ लंबे समय तक वफादारी से काम करना चाहता हो। साथ ही सिक्योरिटी गार्ड को सिक्योरिटी से जुड़े सभी काम करने होंगे, चाहे वे मेन गेट की ड्यूटी हो या फिर और दूसरे जो भी सिक्योरिटी के काम होते हैं वे सब कर सके। साथ ही मैम का ये भी कहना है उसको घर के अंदर होने वाले छोटे मोटे कामों में भी सहायता करनी पड़ेगी, जैसे पेड़ पौधों को पानी दे देना सुबह शाम, या फिर घर के लिए जो भी ज़रूरी सामान होता है चाहे वे खाने पीने का हो या कुछ हो वे बाज़ार से जाके ला देना, और घर के लोगों के साथ भी जाना, उनका और उनके सामान का सभी चीज़ों का ख्याल रखना, उनको जिस चीज़ की भी आवश्यकता हो वे आदि ला के देना। दोस्तों, अगर आप गीतांजलि मैम के यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करना चाहते हैं तो वीडियो में मैं आपको गीतांजलि मैम का नंबर भी दूंगा और कैसे आप आवेदन करेंगे उसकी सही प्रक्रिया भी बताऊंगा। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो लाइक ना की हो तो लाइक कर दें और नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बाद बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि इससे आपके जॉब लगने के चांस 100% होते हैं, क्योंकि हम पहली लिस्ट में अपने सब्सक्राइबर का ही नाम सबसे पहले गीतांजलि मैम के पास में भेजेंगे और वे उसी में से चुनती हैं। और दोस्तों, यदि जॉब से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं जिसका हम रिप्लाई कर देते हैं। दोस्तों, बात करें इसमें जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो आपको जॉब से जुड़ी जानकारियाँ आवेदन से पहले पता होने चाहिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो। दोस्तों, सिक्योरिटी गार्ड को सिक्योरिटी से जुड़े सभी काम जिम्मेदारी से करने पड़ेंगे, किसी भी काम में लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। सिक्योरिटी गार्ड के पूरी तरीके से शरीर से फिट होना चाहिए, कोई बीमारी या कमजोरी ना हो, क्योंकि फिजिकली फिट होना सिक्योरिटी गार्ड का बहुत ज़रूरी है। ये बहुत जिम्मेदारी का काम है क्योंकि इसमें कुछ भाग दौड़ के कुछ मेहनत के काम होते हैं। इस जॉब पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, चाहे आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस होल्डर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात करें इसमें मिलने वाली सैलरी पैकेज का, सैलरी क्या दी जा रही है, तो सिक्योरिटी गार्ड को महीने के 48,700 रुपये महीना मिलेंगे और इस सैलरी को आप आवश्यकता पड़ने पर एडवांस भी ले सकते हैं, लेकिन एडवांस आपको सिर्फ ज़रूरत पड़ने की दशा में दिया जाएगा, अन्यथा नहीं। दोस्तों, बात करें इस पे मिलने वाली सुविधाओं की, फैसिलिटी ड्यूरिंग जॉब, आप जिस समय ये जॉब करेंगे तो आपको क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, तो सिक्योरिटी गार्ड को बाहर के कामों के लिए एक मोटरसाइकिल दी जाएगी, पैदल आना जाना बिल्कुल नहीं है, और साथ ही एक मोबाइल फ़ोन आपको अपने लिए दिया जाएगा। तीनों टाइम का आपको खाना वहीं पर ही मिलेगा, रहने के लिए एक एसी रूम मिलेगा, यानी कुल मिला के इस जॉब पर कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही मैम का ये भी कहना है कि कपड़े, जूते, वर्दी से लेकर सारी चीज़ें जो भी चाहिए होती हैं जॉब पे आपको गीतांजलि मैम द्वारा ही उपलब्ध कराया जाएगा, आपको किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सिर्फ अपना काम समय से और जिम्मेदारी से करना है। बात करें इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड की, कम से कम क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तो दोस्तों इस जॉब पर जो योग्यता है वे अनपढ़, 5वीं, 8वीं, 10वीं, ITI डिप्लोमा, कोई भी अपना जॉब का आवेदन भेज सकता है। आपके पास में एक पहचान पत्र होना चाहिए और एक आपको चरित्र प्रमाण पत्र देना पड़ेगा जिसमें बताएंगे ना तो आप नशा करते हैं और ना ही आपने अब से पहले कोई गलत काम किया हुआ है। आपकी आयु सीमा 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस का कि किस तरीके से आपका इंटरव्यू होगा, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, तो दोस्तों एक राउंड का इंटरव्यू होगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि ये सारे काम घर के और बाहर के आप कर सकते हैं या नहीं, सिर्फ इसी तरीके के सवाल पूछे जाएंगे जिसका आपको जवाब देना होगा, और ये क्वेश्चंस आपको गीतांजलि मैम खुद पूछेंगी। और तो बात करें इसमें जॉब लोकेशन की, दोस्तों ये जॉब लखनऊ उत्तर प्रदेश के लिए निकला है। अगर आप गीतांजलि मैम के यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं तो